एपिसोड के साथ। और ठंडी का मौसम आ ही चुका है और आज क्रिसमस का दिन है 25 दिसंबर, तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस तो आप सबको, और नए साल भी आने वाला है तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आए हैं कहाँ, काम देनू दूध डेयरी। हाँ, क्या खिलाना है आपको? गर्म दूध, जो कि इनका बहुत ही फेमस है। अगर आप यहाँ पे आओगे 9:30 बजे तक, आपको बहुत बढ़िया रश मिलेगा। और दूध की शक्ल अभी आपने देखी ली होगी हमारे इंट्रो में। तो चलिए, चलने से पहले आपको हम इसका लोकेशन बता दें यहाँ की, आपको हमारे गूगल मैप से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और बाकी लोकेशन के लिए आगे वीडियो देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो आज की जो हमारी लोकेशन है वो गोविंद नगर की जो बैक साइड रोड है उस पर है, और जो गौतम, डॉक्टर गौतम कपूर है, उनके ठीक अपोजिट। अगर आप CTI से आएंगे तो, और चावला मार्केट की ओर बढ़ेंगे तो ये है आज की हमारी लोकेशन, काम देनु मिल्क डेयरी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, पिन मिल जाएगा यहाँ का। तो चलिए चलते हैं और सीधा बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह भदौरिया। और कब से शॉप चल रही है? शॉप हो गए 7 साल हो गए। जो शॉप की टाइमिंग है वो बता दें। शॉप की टाइमिंग सुबह 6 बजे से और रात्रि 11:30 बजे तक। और जो गर्म दूध मिलने की टाइमिंग है वो 5 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक। और बाकी जो प्रोडक्ट है कोई आपके यहाँ है तो वो सबसे पहले आपको क्या ट्राई करें? दूध तो जैसे आपका फेमस है ही है। हमारा प्रोडक्ट हमने कसम खाई है कि जितने बेईमान हैं उनको ख़त्म करना है। और एक नंबर का बच्चों को माल खिलाना है, बुजुर्गों को खिलाना है, बाकी पैसा बाकी बिहार हमें बहुत दिया। और जैसे जो आता है उसको लोकेशन समझा दे थोड़ी, कि काम देने तक पहुंचना हो तो कैसे आए? अगर पहुँचे गांधी स्कूल है 5 ब्लॉक में, गांधी से थोड़ा आगे बढ़ कर 5 ब्लॉक है, वहाँ पर ये कपूर क्या रहा उसका गौतम कपूर के ठीक सामने घर है, डॉक्टर कपूर। तो ये तो बात हो गई। और प्राइसिंग बता दें जो आपकी चालू है यहाँ पे, जो मिठाई के रेट है पिन्नी के, जैसे रेट वो है जो कानपुर के अंदर जो पेवर बेचने वालों को हम चैलेंज करते हैं कि अगर ये VIP मिठाई को खिला सकता है तो मात्र काम धेनु और प्लस वीरेंद्र सिंह भदौरिया खिला सकते हैं, बाकी कोई नहीं खिला सकता। और जिसको चेक कर रहा है वो चेक कर सकता है, दूध दही घी पनीर सब लैब में चेक कराइए, जिसकी ताकत हो वो चेक कराइए। मैं एक नंबर काम करता हूँ, 2 नंबर काम नहीं करता हूँ। तो चलिए अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा दूध। तो जो इसकी कॉस्टिंग है वो छुहारे वाली 30 की है और जो बिना छुहारे की है वो 25 की है। मलाई आप देख ही सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए, बहुत गर्म है और अच्छे से कड़ा हुआ है। जो दूध का रंग है वो आपने देखा ही होगा, बिल्कुल लाल हो चुका है। मलाई काफ़ी मोटी है इसके ऊपर, ड्राई फ्रूट से भरा ही हुआ है। और ये छुहारे वाला दूध है, बाकी आपको कस्टमर रिव्यू दिखाते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, करते हैं उनसे रिव्यू लेते हैं। तो आप कब से आ रहे हैं काम देने में? मैं काम देने में आ रहा हूँ करीबन 3 साल हो गए मेरे को। और जो इनके प्रोडक्ट हैं वो आपको कैसे लगते हैं? प्रोडक्ट शरीर देख लीजिए, इनके प्रोडक्ट खा के तो मेरा शरीर बना है। तो अगर आपको रेटिंग देनी हो 5 में से कितने नंबर देंगे? रेटिंग देनी 5 में से तो भैया 4 नंबर तो बनते हैं। तो ये तो बात हो गई, तो बाकी आपने देख ही लिया, रिव्यू भी मिल गया। तो आइए आके इन्जॉय करिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ एक नई लोकेशन। हम एक ही बात कहना चाहते हैं आपसे कि दूध 50 रुपये किलो है और 5 किलो में 1 किलो खोया बनता है, 250 रुपये का होता है,
200 रुपये में लोग खोया बांटते हैं, कैसे बांटते, कैसे बनता खोया? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं काम धंधे डेयरी का मालिक नौकर सही, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को ऐसी चीज़ खिलाएं, 50 रुपये किलो दूध लोग बांट रहे हैं, 45 रुपये बांट रहे हैं, 50 रुपये, जबकि दूध की रेट आज की तारीख में 60 रुपये किलो है। नवेस्टे इंडिया अमूल 56-55 बेच रही है, मैं 56 बेच रहा हूँ। कुल मिला के आपने कभी सोचा है कि क्या बेच, क्या बच्चों खिला रहे हैं? क्या पैकेट 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 यूज ना करें, हाथ जो निवेदन है नववास, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसा माल खिलाएं, ऐसा अच्छा चीज़ खिलाएं, ना पैकेट बंद चीज़ ना खिलाएं, हाथ जो निवेदन है। ये काम जानू से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह भदौरिया बोल रहा हूँ, कि पैकेट बंद का मतलब है जहर, जहर ना खिलाएं, और रुपया के चक्कर में ना पड़े, 2 रुपये 4 रुपये महंगे चक्कर में पड़े, बस यही कहना चाहता हूँ।